तो चाहते हो दोस्तों क्या आप लोग भी अपना कुछ इस तरीके के फ़ोटो को कुछ इस तरीके से एडिटिंग करना, तो वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखना। जो कि दोस्तों इस तरीके का फ़ोटो एडिटिंग करना काफ़ी इजी है और आसान है, जो कि सिर्फ आप लोग अपना लाइटरूम के ही मदद से कुछ इस तरीके का एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों फाइनली चलते हैं यार हम लोग अपना वीडियो की ओर। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ देख सकते हो मैंने सीधा सीधा अपना जो पीके उसको दें लाइटरूम के अंदर ऐड कर लिया है। एडिट कर लेने के बाद अगेन दोस्तों अब करना क्या है, हम लोगों को जाना है अपना एडिट पे। एडिट पे आने के बाद मेरे भाई आप लोगों को कुछ इस तरीके का जो कि इंटरफेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, देन इसका लाइट एडजस्टमेंट करना है। इसके लिए जाना है मेरे भाई एडिट पे। एडिट पे आएंगे, थोड़ा सा इसका एक्सपोजर हम लोग हल्का सा बढ़ा लेंगे। देन नीचे के साइड आएंगे, ब्लैक हम लोगों के फोटो पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। देन इसको हम लोग यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है मेरे भाई। व्हाइट को हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे, देन शेडो और देन हाईलाइट को। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपना लाइट एडजस्टमेंट कर लेना है। फाइनली जाना है उसके बाद कलर पे, देन आ जाएंगे मेरे भाई मिक्स पे। मिक्स पे आने के बाद जो कि फर्स्ट का दो कलर देख सकते हो, इन दोनों को आप लोगों को छोड़ देना है। ग्रीन कलर और येलो कलर का जो कि आप लोगों को सेचुरेशन डाउन कर लेना है फाइनली कुछ इस तरीके से। अगेन इतना हो जाने के बाद अब करना क्या है, देन यहाँ से मेरे भाई कर लेना है हम लोगों को जो कि डन। डन कर लेने के बाद अब क्या करना है मेरे भाई, जो कि हम लोगों को अपना फाइनली जाना है यहाँ देख सकते हो मास्किंग पे। मास्किंग पे आने के बाद यहाँ आप लोगों को एक प्लस का आइकन शो होगा, इस पर क्लिक करना है। और जो कि दोस्तों यहाँ से हम लोगों को अपना सेलेक्ट करना है जो कि ब्रश। फाइनली दोस्तों अब जो कि हमारा जो मॉडल, इसको हम लोगों को इसका फेस को करना है स्मूथ। जो कि दोस्तों अब हमारा जो मॉडल का फेस है उसको हम लोग ब्रश की मदद से कुछ इस तरीके से फाइनली इसको पेंट करेंगे, ताकि जो हमारा मॉडल का फेस है उसको हम लोग स्मूथ कर पाएँ, ठीक है मेरे भाई। और जो कि दोस्तों हमारा फेस है वो एकदम रियल तरीके से स्मूथ होगा, कहीं पे भी फेक नहीं लगेगा। जो ट्रिक मैं आप लोगों को और जो तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, सेम वो तरीका आप लोग अपना फ़ोटो पे अप्लाई करके देखना, ठीक है मेरे भाई। अगर आप लोग ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते तो दोस्तों इसका प्रीसेट मैं आप लोगों को जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फाइनली आप लोग वहाँ से जाकर वन क्लिक में अपना फ़ोटो देन उसको एडिटिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से पेंट कर लेने के बाद इफेक्ट पे आ जाना है, देन टेक्सचर देन क्लैरिटी हम माइनस कर लेना, और फाइनली फेस हम लोगों का स्मूथ हो चुका मेरे भाई। आप लोग यहाँ फाइनली देख ही सकते हो, ये हम लोगों का बिफोर है और ये रहा आफ्टर। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को अपना जो फेस है उसको करना है स्मूथ। अगेन यहाँ से कर लेना है अब हम लोगों को राइट। राइट कर लेने के बाद अब क्या करना है, जो हमारा फेस पर ब्लैक दिख रहा है उनको हम लोगों को हटाना है। इसके लिए फिर से जाएंगे मेरे भाई मिक्स पे, और देन यहाँ फर्स्ट जो कलर छोड़े थे इनको हम लोग को ले लेना है। इसका लुमिनेस को बढ़ा के सेचुरेशन थोड़ा डिक्रीज करना है। सेकंड वाला कलर का भी लुमिनेस इंक्रीज करेंगे और देन सेचुरेशन डिक्रीज, और फेस हम लोग का देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से गोरा हो चुका। देन हुई को हम लोग थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हुई को थोड़ा सा मैं यहाँ इंक्रीज कर लूँगा, देन फर्स्ट वाला कलर का भी हम लोग हुई को यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और फाइनली फेस हम लोगों का गोरा हो चुका। और फाइनली क्या करना है दोस्तों, जो हमारा मॉडल का ड्रेस है उसको हम लोग को थोड़ा सा डार्क करना है, तो ब्लू कलर ले लेंगे, जैसे कि हमारे मॉडल के ड्रेस पे ब्लू कलर है। देन इसका सेचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और देख सकते हो हमारे जो ड्रेस है वो डार्क हो चुका। फाइनली अब यहाँ से करना है हम लोगों को डन। अब जो कि दोस्तों थंबनेल पे आप लोगों ने देखा था उस तरीके का बैकग्राउंड आप लोगों को बनाने के लिए करना क्या है, देन यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन शो हो जाएगा देख सकते हो मास्किंग का, इस पर क्लिक करना है मेरे भाई। देन उसके बाद यहाँ एक प्लस का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को करना है क्या, देन सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इस पर क्लिक कर लेना है, जो कि उसके बाद दोस्तों हमारा मॉडल को फाइनली ये सेलेक्ट कर लेगा कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को करना क्या है, इन्वर्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा, देन इस पर क्लिक कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब करना क्या है, देन यहाँ आप लोगों को नीचे पर देख सकते हो प्लस और माइनस का ऑप्शन हो रहा है मेरे भाई, अगेन इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन शो हो रहा होगा देख सकते हो माइनस वाला यहाँ नीचे का, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को आ जाना है देख सकते हो फोर्थ नंबर पे, ठीक है। इसको आप लोगों को क्लिक करना है, और कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो कि दोस्तों इसको क्लिक कर लेना है देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसको खींचना है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से रोटेट कर लूँगा, ठीक है मेरे भाई। फाइनली कुछ इस तरीके से अब यहाँ हम लोग इसको नीचे के साइड ले आएंगे, और इसको कुछ इतना में हम लोग यहाँ फाइनली रख लेंगे। रख लेने के बाद अब करना क्या है मेरे भाई, जाना है हम लोगों को फाइनली अपना कलर पे। कलर पे जाने के बाद यहाँ आप लोगों को देख सकते हो दो ऑप्शन शो हो जाते हैं, ठीक है।
तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले सेचुरेशन इंक्रीज कर लेना है, टेंट इंक्रीज कर लेना है और टेम्प इंक्रीज कर लेना है। अब फोटो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आप लोगों का हो चुका, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ आप लोगों को हुई पे आना है और कलर कौन सा रखना है वो आप लोग यहाँ देख लेना मेरे भाई, जो भी कलर आप लोगों को बेस्ट लगे। फाइनली मैं अपना ये वाला रखना चाहता हूँ, तो अगेन मैं इसको यहाँ पे रख लूँगा। देन नीचे पे जाके इसका कलर को भी हम लोगों को सेम ही रखना है कुछ इस तरीके से। अगेन देख सकते हो अब फोटो हम लोग काफ़ी एकदम रियलिस्टिक और कितना मस्त तरीके से लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है जो भी कलर आप लोगों को बेस्ट लगे। फाइनली मैं अपना कुछ इस तरीके से अपना फ़ोटो पे एक टोन रखना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोग अपने हिसाब से कोई भी कलर टोन ऐड कर सकते हो। ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है और देखने में भी काफ़ी मस्त लग रहा है, जो कि आप लोग यहाँ फाइनली देख सकते हो। अगेन इतना होने के बाद दोस्तों अब यहाँ से करना है हम लोगों को फाइनली राइट। राइट कर लेने के बाद अगेन अब क्या करना है, फिर से जाना है मेरे भाई मास्किंग पे। उसके बाद यहाँ से दोस्तों हम लोग को अपना प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। अगेन फोर्थ नंबर का फिर से ले लेना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से इसको हम लोग फाइनली रोटेट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ ऊपर का साइड है, इसको हम लोग को कुछ इस तरीके से फाइनली खींचना है, ठीक है, और नीचे के साइड को कुछ इस तरीके से। अब यहाँ आप लोगों को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, इफेक्ट पर जाना है। देन डीएस को इसका हम लोगों को यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज करके देख लेना है। तो मैं यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ ताकि हमारा नीचे के साइड को हम लोग यहाँ ब्लैक टोन ऐड कर सके। देन क्लैरिटी इंक्रीज, टेक्सचर, लाइट पे जाके मेरे भाई यहाँ एक्सपोजर हम लोग डिक्रीज करेंगे और कंट्रास्ट डिक्रीज, हाईलाइट डिक्रीज, देन शैडो डिक्रीज और फाइनली यहाँ से कर लेंगे राइट। अब देख सकते हो फोटो हम लोग को काफ़ी मस्त लग रहा है, बट यहाँ जो हमारा नीचे का साइड है वो हम लोग को अभी भी ख़राब लग रहा है। इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे मेरे भाई हम लोग फाइनली अपना जो कि मास्किंग पे, और यहाँ से प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिलेक्शन बना लेने के बाद दोस्तों अब फिर से हम लोग को अपना इन्वर्ट का ऑप्शन है, अगेन इस पर क्लिक करना है। देख सकते हो फिर से हमारे जो बैकग्राउंड वो सेलेक्ट हो चुका। देन यहाँ फिर से माइनस और प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अगेन फिर से माइनस वाला ले लेंगे नीचे का। उसके बाद यहाँ फिर से फोर्थ नंबर पर आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से अब नीचे के साइड से कुछ इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ देख सकते हो। और इसको मैं यहाँ पकड़ के नीचे के साइड ले आऊँगा और कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब जाएंगे मेरे भाई कलर पे। अब यहाँ आप लोगों को नीचे के साइड कौन सा कलर ऐड करना है और बाकी साइड आप लोगों को कौन सा कलर ऐड करना है वो आप लोग देख लेना, जो कि देख सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से हम लोगों का बैकग्राउंड एक सिनेमेटिक टोन्स में जो कि ऐड हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली इस तरीके से मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो अगेन अब यहाँ क्या करेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ सिलेक्शन बनाया हुआ है ना दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पकड़ के नीचे के साइड लाएंगे यहाँ फाइनली कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। अब कलर पे जाके इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे फाइनली, अगेन कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से करेंगे राइट। फाइनली दोस्तों इतने में हमारा जो फोटो है वो तो काफ़ी मस्त लग रहा है, बट इसमें हम लोग को डालना है एक सिनेमेटिक टोन। इसके लिए करना क्या है मेरे भाई, फिर से जाएंगे हम लोग अपना मास्किंग पे, प्लस का ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम लोगों को नीचे का ले लेना है, देख सकते हो फाइव नंबर का, ठीक है। अगेन उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है मेरे भाई। अब जाएंगे लाइट पे, इसका एक्सपोजर बढ़ा लेंगे, देन कंट्रास्ट कम करेंगे, हाईलाइट इंक्रीज करेंगे, देन शेडो हल्का सा इंक्रीज, इफेक्ट पर जाके टेक्सचर क्लैरिटी, देन डीएस को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। और फोटो में देख सकते हो एक हम लोगों के सिनेमेटिक टोन ऐड हो चुका, और देन यहाँ से कर लेंगे राइट। और फोटो हम लोगों का देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीके से एक सिनेमेटिक टोन में, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल का एडिटिंग हो चुका। तो दोस्तों आप लोगों को इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो आप लोग एक काम करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका प्रीसेट मैं आप लोगों को दे दूँगा, फाइनली आप लोग जाकर डाउनलोड करके यूज कर लेना दोस्तों, जो कि हर फोटो पर काफ़ी सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे मेरे भाई, चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके देना, एक लाइक कर देना,